अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं गई हुई हूँ मार्केट सिमरन का यूनिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि 23 फरवरी से सिमरन का एग्ज़ाम है। टाइम बिल्कुल नहीं था, तो 4-5 दिन बचे हुए थे, तो मैं बोली चलो लेकर के आ ही जाती हूँ। नहीं तो आजकल आजकल करते करते कितना दिन से हो रहा था, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। देखिए ना मामा, बिस्किट 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 मामा बिस्किट। आंटी थोड़ा साइड में। हाँ तन्मय बोलिए, एटा आमार स्पीकर फोन नंबर 50। तैमूर बाबू देखिए ना, मेरे से नाराज होकर के बाहर चले गए। आज तैमूर बाबू को बाहर ही रखेगी मम्मा, ठीक है? जाइए, आज बाहर रहिए, आज वॉचमैन का काम कीजिएगा, ठीक है? अब डोर के बाहर रहिए। चलिए मम्मा डोर लगा ले रही है अंदर से। आ जाइए अंदर, आ जाओ, गुस्सा नहीं करते, अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। तो हम गए हुए थे सिमरन का यूनिफॉर्म लाने के लिए स्कूल का, जो अभी एग्जाम देगी 10 का, यूनिफॉर्म पहन करके। आजकल आजकल रोज हो रहा था, लेकिन आज मैं जाकर के ले ही के आ गई मार्केट से। तो सिमरन के पापा वहीं पे थे शिमला बिरयानी के पास, तो हम बोले चलो सिमरन, तैमूर बाइक से चले आएंगे, हम मोटर से चले आएंगे। तैमूर को मैं बाइक से भेज दे, लेकिन गुस्सा हो गया वो तैमूर, और अंदर नहीं आ रहा है। देखिए देखिए गेट के बाहर है तैमूर, उनको ऑटो पर आना था, हम ऑटो से लेकर के नहीं आएंगे, बहुत सारा उसमें भीड़ था ऑटो में, तो हम चले आए। तैमूर दे, डोर खोलो बेटा, खोल लीजिए। देखिए चप्पल वहां फेंका है, जूता अपना, शूज और पाँव का निकाल करके उधर फेंक दिए थे। हम मुझे मारे हैं फेंक करके शूज, मतलब क्यों मुझे छोड़ के चले। इतना लंबा लाइन था ऑटो में, तो इसी वजह से हम चले आए, सिमरन को भेज दिए थे। बहुत भीड़ था ऑटो, बाप रे लंबा लाइन था, तो इसलिए हम उनको पहले ही भेज दिया। अच्छा था आराम से, और बाइक पे चले आए तो गुस्सा हो रहे थे हम। अभी मुझे रोटी बनाना है, टाइम कितना हो गया पता है? 10 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है, इतना लेट हो गया। बस कुछ नहीं, बस इसके पापा के इंतजार में अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, रुको थोड़ा सा और काम कर लेने, तो निकल रहे हैं, निकल रहे के चक्कर में इतना देर। तैमूर देखिए, आ जाइए बेटा, आ जाइए, गुस्सा छोड़ दीजिए, आइए, गुस्सा करना गुनाह है, आइए आइए, गुस्सा गुस्सी छोड़ दीजिए। खिची लग गया, पाँव में मिट्टी लगा ली ना, चलिए धो दे रहे हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, तो ये आज का ब्लॉग है। तो मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ मछली और चावल, एक साइड बंद रहा है, दूसरे साइड में अभी मछली बनाऊंगी। तो मैं अभी शूट की हूँ शॉर्ट वीडियो, मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइस। तो मैं फिश फ्राई बनाई हूँ, तो वो वाला डालूंगी, तो उसी में का थोड़ा सा बचा हुआ है पुच्छी मछली का और सीरा, ये सब बचा हुआ था, तो इसमें मैं ग्रेवी लगा दे रही हूँ। अगर आलू, हम लोग को डालने का बहुत दिल कर रहा था कि आलू डाल करके बनाएंगे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, तो इसी वजह से बिना आलू डाल करके मैं बना दे रही हूँ। बहुत अच्छा लगेगा ये वाला भी, तो चावल के साथ तो मछली बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं अभी मेरे चैनल को फॉलो किए हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, मैं आईडी डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से एक बात बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा मोबाइल ना ख़राब हो गया है, मैं एक ब्लॉग में आप लोगों को ये बात बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर अभी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल बनने के लिए आजकल में चला जाएगा, तो ना मैं रेसिपी शूट कर पाऊँगी या ना ही मैं ब्लॉग बना पाऊँगी, तो इसी वजह से आप लोगों से मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन में जो ग्रीन लाइन आता था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड लेके चले जाएंगे बनवाने के लिए। तो बस मेरा देखिए फेस होने वाला है रेडी, तो मैं फ्लेम को अब ऑफ कर दूंगी। इधर मेरा चावल भी समझिए रेडी हो गया है, तो मैं इसका पानी पसा दे रही हूँ, उसके बाद फिर खाना भी हम लोग खा लेंगे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा घर की सफाई वफाई करेंगे, तो फिर देखिए ये है शाम का टाइम का वक्त, तो मेरे हस्बैंड को खाना था प्याजू, तो वो बेसन बाहर से आए थे तो लेते हुए आए थे, तो मैं प्याजू बना दे रही हूँ। अभी मुबशिर को 6 बजे ना कोचिंग भी जाना है, तो मैं सोची मैं पहले उनको बना के दे रही हूँ, वो खा करके ही चले जाएंगे कोचिंग, क्योंकि वो फिर आएंगे 8:30 बजे के करीब रात में, तो उस वक्त तो फिर खाना खाने का टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से मैं अभी उसको भजिया बना के खिला दूँगी, और थोड़ा सा मैं सिमरन के लिए बचा के रख दूँगी, वो आएगी तो उसके लिए मैं गर्म गर्म बना दूँगी।
मुझे ना मोबाइल का गाइस बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे मोबाइल का उतना पहले ये नहीं था, लेकिन मैं जब से रेसिपी ब्लॉग बनाने लगी हूँ यूट्यूब पे, तब से मुझे मोबाइल का मैं बहुत हिफाजत करती हूँ कि कहीं मेरा मोबाइल ख़राब ना हो जाए। उसी का उल्टा हो रहा, मैं जितना हिफाजत कर रही हूँ ना उतना ही मेरे साथ देखे मोबाइल मेरा ख़राब हो गया। पता नहीं, हो सकता है तैमूर के हाथ से कभी गिर उड़ गया होगा, इसी वजह से मोबाइल लग रहा मेरा डिस्प्ले ख़राब हो रहा है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा सिमरन के लिए बचा के रख दी हूँ। उसके बाद अभी तैमूर सो करके है, इसलिए मेरे अभी घर में देखिए शांति माहौल बना हुआ है। अगर तैमूर अभी रहते ना तो अभी जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं ना, एकदम परेशान करके रख देते हैं। बहुत बदमाश है, तो इसी वजह से वो अभी सो के है। शाम के वक्त अभी वो 2-3 दिन से फिर उनका रूटीन बन गया है, शाम के वक्त सो जाते हैं। तो मैं अभी जो उस दिन मार्केट जो गई थी, तो मैं ये बिस्किट लेकर के आई थी, मुझे ये वाले बिस्किट बहुत पसंद है। बस तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ नाश्ता कर रहे हैं। ये वाला यूनिफॉर्म है ना, देखो ना, आप ही का ये स्कूल का लेकर क्या है ना, आप ही जाएगी एग्जाम देने के लिए। तो ये वाला जो है ना स्कूल ड्रेस, आप ही का रुकिए, इसमें लगेगा यहाँ पे, देखिए एग्जाम देने जाएगी तो ये वाला ना मम्मा यहाँ पे इसको सिलाई कर देगी। मुझे आप भी, हाँ तो ठीक है, आप बड़े हो जाएगा तो मम्मा आपको भी देगी बना करके, यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो ये लाने के लिए हम कल गए हुए थे मार्केट, यूनिफॉर्म सिमरन का। 23 फरवरी से सिमरन का एग्जाम 10 का स्टार्ट होने वाला है। तो ये वाइट है, हाँ बिट्टी है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अच्छा बाय कीजिए, देंगे तो पहले सलाम कीजिए। चलिए तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तैमूर को, तैमूर को कुछ नहीं देना, ठीक है मुबशीर। तैमूर बाबू आजकल सलाम नहीं कर रहे हैं, बाय भी नहीं कर रहे हैं, गंदी बात ना। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पैन कर देती हूँ। तो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तैमूर का शरारत देखा, आजकल बहुत इसका नाच चल रहा है, गंदे बच्चे हो गए हैं तैमूर। तो न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पैन करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज, बाय बाय कीजिए, चलिए बाय कीजिए। तैमूर बाबू को कोई कुरकुरे चिप्स नहीं।